ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फूड फोर्टिफिकेशन। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइट्री फाइबर्स, विटामिन्स, उनकी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां, फिर विटामिन ए, उसकी डिफिशियंसी वाला सेरेप्थैल्मिया, प्रिवेंशन का प्रोग्राम, फिर विटामिन B3 डिफिशियंसी या पैलेट्रा, ट्रेस एलिमेंट्स, डाइट्री ऑक्सीडेंट्स, फिर हमने आयरन पढ़ा था, उसकी डिफिशियंसी वाला न्यूट्रिशन एनीमिया, प्रिवेंशन के लिए एनीमिया मुक्त भारत, फिर हमने आयोडीन पढ़ा था, उसकी डिफिशियंसी वाला आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर पढ़ा था और उसके प्रिवेंशन का प्रोग्राम, फिर फ्लोरिन पढ़ा था, उससे रिलेटेड एंडेमिक फ्लोरोसिस और उससे रिलेटेड नालगोंडा टेक्निक पढ़ा था हमने। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था जिंक, जिंक के बाद हमने पढ़ा था प्रोटीन असेसमेंट मेथड्स, क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स, फिर हमने लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पढ़ा, फिर हमने NPU या नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन पढ़ा, फिर हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स पढ़ा, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देखी थी, फिर डाइटरी गोल्स और प्रूडेंट डाइट किया, फिर माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये सब देखा, फिर PEM या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन देखा और उसी के तहत हमने क्वाशियोरकर और मैरिस्मस देखा। ठीक, फिर हमने NRC पढ़ा था, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स देखे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अफेक्ट करते हैं, फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड्स देखे अलग अलग, फिर न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बीच में डिफरेंस देखा, फिर हमने मिल्क बोन डिजीजेस पढ़ी थी और उसी के साथ हमने पाश्चराइजेशन पढ़ा था, फिर हमने फूड बोन डिजीजेस देखी, फिर बहुत इंपॉर्टेंट फूड टॉक्सिकेंट्स देखे थे, उसमें न्यूरोलेथाइरिज्म, एफ्लोटॉक्सिकोसिस, एल्गोटिज्म, बहुत सारी चीजें देखी थी, फिर हमने फूड एडल्ट्रेशन पढ़ा, उसी के अंदर हमने फूड स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। ठीक, तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस जब आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो प्लेलिस्ट में जब आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस उनके नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक, अब भाई फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है या इसका एग्जाम्पल क्या है, सबके रोज की जिंदगी में इस्तेमाल होता है, बस हमको ध्यान नहीं जाता। तो हम देखते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि जो खाद्य पदार्थ है, फूड है, उसमें कोई पोषक तत्व मिलाया जाता है या न्यूट्रिएंट मिलाया जाता है, जिससे कि हमारी जो डाइट है रोजमर्रा की, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। बहुत सिंपल है फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, जब हम फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट मिलाते हैं जिससे हमारी डाइट की क्वालिटी अच्छी हो जाए, उसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड आइटम में न्यूट्रिएंट मिलाना, इसका एग्जांपल याद आ रहा है कोई सा? यस, बहुत सिंपल एग्जांपल है सॉल्ट। नमक में क्या मिलाते हैं? नमक में मिलाते हैं हम आयोडीन, दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन। नमक क्या है? नमक इज अ फूड आइटम एंड आयोडीन क्या है? आयोडीन इज अ न्यूट्रिएंट। तो जब हम फूड आइटम में कोई न्यूट्रिएंट मिलाते हैं जिससे कि हमारी डाइट की क्वालिटी और अच्छी हो जाए, उसको कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। समझ गए? तो अब ना एक चीज याद रखना है, जो आपसे वाइवा में कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया ये किस लेवल का प्रिवेंशन है, किस लेवल का प्रिवेंशन है फूड फोर्टिफिकेशन, तो ये प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है। अब यार हम ये पढ़ चुके हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड देयर मोड ऑफ इंटरवेंशन। कितने लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं? चार लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और इसके मोड ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से होते हैं? प्राइमोर्डियल का होता है हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी का होता है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकेंडरी का होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, टर्शरी का होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो जो फूड फोर्टिफिकेशन है वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है, और उसमें भी कौन सा है? ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। समझ गए? तो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन है और उसमें भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, इसको अगर और अच्छे से करना है तो जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर है, आप उसकी प्लेलिस्ट खोलोगे,
तो उसमें आपको लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड देयर मोड्स ऑफ इंटरवेंशन वाला टॉपिक मिल जाएगा, उसमें जाके आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक, तो हमने ये देख लिया कि भैया फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, उसका एक आध एग्जाम्पल भी देख लिया और कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। अब एक आधे एग्जाम्पल तो देख लिया, लेकिन कई बार वाइवा में ना आपसे पूछते सॉल्ट तो ठीक है, एक आध और कोई एग्जाम्पल बताओ। तो सॉल्ट तो एक एग्जाम्पल है, ये आपको पता है कि सॉल्ट में आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट करते हैं। उसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? तो उसमें वनस्पति घी है, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जाता है, और वाटर भी है कि जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट कम होता है वाटर में, वहां पे फ्लोराइडेशन भी किया जाता है। ठीक, तो पहले सॉल्ट पे आते हैं कि सॉल्ट का आयोडाइजेशन किया जाता है। तो दैट इज, अगर आप सॉल्ट में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऐसा एफ प्लस वाला साइन भी मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे? ये एफ प्लस वाला साइन क्या है? इट इज, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फोर्टिफाइड। वो फोर्टिफाइड यानी कि आयोडीन से फोर्टिफाई किया गया है। लेकिन आजकल एक सवाल पूछते हैं कि सॉल्ट का ट्विन फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है, मतलब दो चीज से फोर्टिफाई किया है, यानी दो चीज मिलाई है। वो दो चीज कौन सी होती है? तो वो दो चीजें, आयोडीन तो हम मिलाते ही थे, साथ में हमने आयरन भी मिलाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आयरन प्लस आयोडीन, ट्विन फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, याद रहेगा? तो ये एक एग्जांपल तो आपको हमेशा याद रहता है, मगर ना एटलीस्ट एक एग्जांपल और याद रखना। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वनस्पति घी। शुद्ध घी होता है और एक होता है वनस्पति घी। वनस्पति घी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे घर में, सबके घरों में देखा है, बचपन में भी देखा था, डालडा आता था, है ना? डालडा शुद्ध घी नहीं होता, डालडा वनस्पति घी होता है। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह से बनता है वनस्पति घी, इसको भी आजकल फोर्टिफाई किया जाता है। किससे? तो इसके अंदर पीछे की तरफ देखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है, विटामिन ए और फिर विटामिन डी, दिख रहा है? तो विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाई किया जाता है वनस्पति घी को। अब कितना है, कभी कभार एक आध एमसीक्यू में मेरे को मिला था, तो विटामिन ए करीब 2500 इंटरनेशनल यूनिट और विटामिन डी करीब 175 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, 2500 इंटरनेशनल यूनिट और 175 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक, उसके बाद वाटर तो फ्लोराइडेशन ऑफ वाटर करते हैं। तो याद रहेगा कि सॉल्ट को किससे किया? सॉल्ट को आयोडीन से किया, और आजकल आयरन से भी करते हैं, वनस्पति घी को विटामिन ए और विटामिन डी से करते हैं, और वाटर को तो फ्लोराइड से करते हैं। कई बार ना आप एग्जाम्पल तो बता देते हो, सॉल्ट का तो देखो आयोडीन सबको याद रहता है, लेकिन ना आप एग्जाम्पल तो बता देते हो कि सर वनस्पति घी या डालडा जो है उसको हम फोर्टिफाई करते हैं, लेकिन आप भूल क्या जाते हो कि विटामिन ए और विटामिन डी से करते हैं वनस्पति घी को। तो ये याद कैसे करेंगे? जो वनस्पति घी है उसको फोर्टिफाई किया जाता है विटामिन ए और विटामिन डी से, इसको याद कैसे करेंगे? ठीक, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। वनस्पति घी में सबसे पहला नाम हमको कौन सा याद आता है? हमको याद आता है डालडा, यही याद आता है, डालडा। तो इसमें देखो दो बार क्या आया? डी आया, और दो बार क्या आया? ए आया। तो विटामिन ए से करते हैं और विटामिन डी से करते हैं, समझ गए? डालडा में दो बार ए आया तो विटामिन ए से किया, डालडा में दो बार डी आया तो विटामिन डी से किया, याद रहेगा? तो ऐसे याद कर सकते हो कि वनस्पति घी या डालडा को विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये तो हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब एक और चीज फूड फोर्टिफिकेशन में आपको याद रखनी है, दैट इज क्राइटेरिया फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। भैया कौन क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं? ऐसे ही नहीं है कि बस कछु भी उठा दिया, कछु में भी डाल दिया, हो गया काम अपना। नहीं भाई साहब, कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो व्हीकल फोर्टिफाइड, जिस भी फूड आइटम को तुम फोर्टिफाई कर रहे हो वो ना आपकी रेगुलर डेली डाइट में इस्तेमाल होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? नमक। भाई बिना नमक के तो कोई कुछ खाते ही नहीं है ना, तो नमक तो हर कोई, हर अमीर गरीब, हर लोग, हर इंसान खाएगा और रोज खाएगा। तो उसमें हमने आयोडीन डाल दिया, इनफैक्ट आयरन भी डाल दिया, समझ गए? अब यार अगर रेगुलर डाइट वाला नहीं, भाई साहब वरना हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, हम पनीर को फोर्टिफाई करेंगे। दादा पहली बात तो रोज पनीर खाते नहीं हो, दूसरा हर किसी के बस में भी नहीं होता है पनीर खाना, तो हो गया तुम्हारा, कर लो फोर्टिफाई, खाएगा ही नहीं कोई, तुक्का मत।
समझ गए। तो याद रखने वाली चीज कि जिस भी फूड आइटम को आप फोर्टिफाई कर रहे हो वो सबके सबकी से मेरा मतलब है सबकी अमीर गरीब सबकी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस लाइन का सॉल्ट है। उसके अलावा सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है ना क्राइटेरियाज में, जिस न्यूट्रिएंट को आप ऐड कर रहे हो ना, उसको ऐड करने के बाद जिस चीज में ऐड कर रहे हो उस चीज का टेस्ट, स्मेल, अपियरेंस और कंसिस्टेंसी ये बदलनी नहीं चाहिए कि भैया स्वाद भी सेम रहना चाहिए और खुशबू भी सेम रहनी चाहिए, अपियरेंस या दिखने में या कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तभी तो फूड फोर्टिफिकेशन अच्छा होगा ना। मतलब वरना सिंपल सी बात है कि तुमने नमक था, नमक बढ़िया सफेद नमक है, तुमने फोर्टिफाई कर दिया काला हो गया, अब साला वो काला नमक मतलब वो वाला काला नमक नहीं, इस नमक को काला कर दिया, कोई नहीं खाएगा कि भैया ये तो दिखने में ही सही नहीं लग रहा है, या टेस्ट करने को गए तो यार ये नमक नहीं है कुछ और ही लग रहा है, ऐसी चीज खाएगा थोड़ी कोई। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज को फोर्टिफाई करो तो फोर्टिफाई करने के बाद या न्यूट्रिएंट डालने के बाद उसका स्वाद, उसकी खुशबू, दिखने में सब कुछ सेम रहना चाहिए ना। उसके अलावा और क्या, उसके अलावा ना जब भी हम न्यूट्रिएंट को ऐड करते हैं तो सवाल ये आता है कितना ऐड करना है। ठीक, कितना ऐड करना है से क्या मतलब है, अब तुमने बोला भैया यहाँ पे आयोडीन की कमी है आयोडीन खिला, ले डाल के खूब सारा आयोडीन, मतलब नमक 1 किलो है तो उसमें 2 किलो आयोडीन डाल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी नहीं करनी है हमको कंज्यूमर्स में कि भैया आयोडीन 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 की कमी है तो अति डाल दो, है ना। वो बचपन में कहते थे ना कि अति सर्वत्र वर्जित, बचपन में बोलते हैं ना किसी भी चीज की अति खराब होती है अति सर्वत्र वर्जित, तो वही तो यहाँ पे करना है कि भैया न्यूट्रिएंट को उतना डालना है जितना काफी हो, उसकी अति नहीं कर देनी है, क्योंकि अगर अति कर दोगे तो उस जो भी न्यूट्रिएंट आपने डाला है आयरन आयोडीन जो भी उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी कंज्यूमर में, तो इतना नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, ठीक है, अति नहीं करनी किसी भी चीज की। ठीक, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो गया। उसके बाद ना कॉस्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों? क्योंकि ना जब आपने फोर्टिफाई किया किसी चीज को तो आपको ये नहीं करना है कि भैया जो नमक 25 रुपए किलो आता था वो 250 रुपए किलो हो गया, दादा तो खरीदेगा कौन, बोलेंगे भैया हम कम आयोडीन खा लेंगे लेकिन नमक तो खाएंगे, मतलब हमको सब्जी खरीदनी थी दाल खरीदनी थी उसकी जगह हम नमक ही खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं करना है ना। इनफैक्ट अब फॉर एग्जाम्पल हम डालडा की बात करते हैं जो, ठीक है, आपने डालडा की बात की, तो भाई ये जो डालडा है ये खाएगा कौन, मतलब नॉर्मली ज्यादातर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होंगे, अब उनको आप डालडा जो आता था, मान लो कि वो 50 रुपए किलो आता था, तुमने डालडा को साला फोर्टिफाई करके 100 रुपए किलो कर दिया, बोले भैया हम शुद्ध घी ना खरीद लेंगे, मतलब शुद्ध घी इतने का नहीं पर फिर भी बोले कि भैया 50 रुपए की हम खा क्यों रहे थे डालडा, क्योंकि तो हम शुद्ध घी नहीं ले रहे थे हम डालडा ले रहे थे, इसलिए तुमने साला डालडा को भी महंगा कर दिया, है ना। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए जो भी फूड आइटम को आपने फोर्टिफाई किया है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस को ठीक करना चाहते हैं। हम न्यूट्रिशनल स्टेटस मुख्यतः तो ज्यादातर हम जो मिडिल क्लास फैमिली है लोअर मिडिल क्लास फैमिली उनका थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ कई बार होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फूड को फोर्टिफाई कर दिया। आपको पता है कि लोग डालडा ज्यादा खा रहे हैं तो विटामिन डी और विटामिन ए मिला, तो इसीलिए कि अब तुम प्राइस ही बढ़ा दोगे तो फिर कहाँ से काम चलेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स याद रखना कि जो व्हीकल को फोर्टिफाई करना है वो रेगुलर डाइट में इस्तेमाल होना चाहिए, आपने जो न्यूट्रिएंट ऐड किया है उसके ऐड होने के बाद जिसमें ऐड किया है उसका टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस और कंसिस्टेंसी बदलनी नहीं चाहिए, और न्यूट्रिएंट कितना ऐड करना है तो इतना कि जिससे उसकी टॉक्सिसिटी ना हो कंज्यूमर में खाने के बाद, अति ना हो जाए उसकी, ठीक, और कॉस्ट लगभग सेम होनी चाहिए कि जो फोर्टिफिकेशन के पहले कॉस्ट थी उसके जितनी ही हो, बहुत ज्यादा ना पड़ जाए। ठीक, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद रखने हैं फोर्टिफिकेशन करते समय। ठीक, तो इतनी चीज तो पता होनी चाहिए कि भैया फूड फोर्टिफिकेशन में अपना, जब फूड फोर्टिफिकेशन पढ़ ही रहे हैं तो एक और
टॉपिक जो आपके जहन में आता है और कई बार एग्जामिनर पूछ भी लेता है वो है फूड प्रिजर्वेटिव्स। क्या होता है ना कि फूड ऑडल्ट्रेशन, फूड फोर्टिफिकेशन और फूड प्रिजर्वेटिव, ये तीनों साथ में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको फूड ऑडल्ट्रेशन पे तो हमने अलग से वीडियो बना दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हो। फूड फोर्टिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ना, इसमें हम करते क्या है फूड प्रिजर्वेशन के समय या फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते समय, हम जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि ये जो फूड आइटम्स हैं उनके फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन या डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है ना, उसको हम या तो रोक सके या तो धीमे कर सके। ठीक, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स में हम करते क्या है, फूड आइटम में कुछ ऐसे सब्सटेंस या प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे कि उनके खराब होने या उनके सड़ने की, खराब होने की जो स्पीड है उसको हम या तो धीमा कर देते हैं या रोक देते हैं। समझ गए? तो ये होता है आपका फूड प्रिजर्वेटिव। इन शॉर्ट इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें ना हम खाने को खराब होने से बचा रहे हैं, रोक रहे हैं, या उसके खराब होने के प्रोसेस को धीमा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इसमें करते क्या है हम, इससे जब फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं तो ना उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना वो बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है यानी कि हम इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य बनाते हैं। ठीक है, ऑल इन ऑल मतलब क्या हुआ, हम शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं या लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य बना रहे हैं, यानी कि हम खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। समझ गए? तो फूड प्रिजर्वेटिव्स का सिंपल सा मतलब यह है कि खाने में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जिनसे उनके जो खराब होने की स्पीड है या खराब होना उनका, उसको लंबे समय तक रोका जा सके या धीमे किया जा सके, जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उनको लंबे समय तक इस्तेमाल योग्य आप रख सकते हो। दैट इज फूड प्रिजर्वेटिव। समझ गए? सिंपल भाषा में। अब दो तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव होते हैं। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में तो सिंपल सॉल्ट हो गया, शुगर, स्पाइसेस, हनी, वेनेगर, एसिटिक एसिड, समझ गए, शक्कर हो गई, नमक हो गया, मसाले हो गए, शहद हो गया, विनेगर हो गए, ये सारी चीजें होती हैं। सिंपल आए दिन की दिनचर्या में हम इनको देखते हैं। जबकि क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में थोड़े बड़े बड़े आइटम होंगे, जैसे कि बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टाइसिन, प्रोपियोनिक एसिड, ये सारी चीजें क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में। तो क्लास 1 में सिंपल सी चीजें होंगी, क्लास 2 में बड़ी बड़ी चीजें होंगी। समझ गए? इनफैक्ट बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं, आजकल ना रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेज का भी इस्तेमाल होता है फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक, तो ये हो गए कुछ फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यार सबसे कॉमन एग्जांपल फूड प्रिजर्वेटिव्स में कौन सा होता है? सबसे कॉमन एग्जांपल तो आए दिन की दिनचर्या में जो हमारा इस्तेमाल होता है, अचार, पिकल। अचार देखा है? अचार जो होता है लंबे समय तक दादी माँ जब बनाती थी तो साल भर तक इस्तेमाल करते थे, एक गर्मी से दूसरी गर्मी तक, और ज्यादा लंबा इनफैक्ट। तो अचार हो गया। अचार में याद है नमक डलता था, मसाले डलते थे, इनफैक्ट विनेगर भी डलता था, है ना? तो जो पिकल्स है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। उसके अलावा मम्मा वगैरह बनाती थी ना जैम या जेलीज बनाती थी, याद है? उसमें शुगर डलती थी, उसमें हनी शहद डलता था। तो ये सारे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जैम्स या जेलीज, इनकी भी शेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, महीनों तक इस्तेमाल करते थे, है ना? उसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जो ये केन्ड फूड होते हैं इनमें भी प्रिजर्वेटिव्स मिलाया जाता है जिससे कि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, काफी लंबे समय तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट और भी होते हैं, जैसे कई सॉस होती हैं, अलग अलग सॉसेस होती हैं ना, तो उनको भी काफी लंबे तक समय तक इस्तेमाल करते हैं। आप जब पलटा के देखोगे ना तो कईयों में लिखा भी रहता है कि क्या प्रिजर्वेटिव उनमें यूज किए गए हैं। तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल के लिए पूछे तो आप ये एग्जाम्पल्स फूड प्रिजर्वेटिव में बता सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका फूड प्रिजर्वेटिव।
तो इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको फूड फोर्टिफिकेशन और फूड प्रिजर्वेटिव्स में पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई थ्योरी एग्जाम में तो आपको शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि भैया फूड फोर्टिफिकेशन बताओ क्या होता है, और अगर पटकी क्वेश्चन देना होगा उसको तो वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट नोट के तौर पे आपको फूड प्रिजर्वेटिव का सवाल पूछ लिया जाएगा, तो ये आपको बताते आना चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो सीधा वाइवा पूछ लिया जाता है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल बताओ, और वाइवा में ये भी पूछ लिया जाता है कौन से लेवल का प्रिवेंशन है फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक, उसके बाद ना एग्जाम्पल में आपसे पूछते हैं सॉल्ट के अलावा कोई एग्जाम्पल बताओ, तो सॉल्ट के अलावा आप क्या बता सकते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल वनस्पति घी या डालडा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और याद भी रहता है डालडा में विटामिन ए और ठीक, तो याद भी रहता है सेकंड एग्जाम्पल। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स भी वाइवा के लिए याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया वाइवा के लिए। सीधा पूछते हैं कि क्राइटेरियाज बता दो, तो पता होना चाहिए कि भैया जो जिसको फोर्टिफाई कर रहे हैं उसके बारे में, जिस चीज को डाल रहे हैं तो कितनी डालनी है, और डालने के बाद टेस्ट स्मेल अपीयरेंस ये सब चेंज ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो, और जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा बढ़े नहीं, ये क्राइटेरिया वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब वाइवा हो ही रहा होता है ना, तो आपसे क्या सीधा पूछ लेते हैं वाइवा के तौर पे कि एक बात बताओ, फूड फोर्टिफिकेशन और फूड ऑडल्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। इनफैक्ट हमने इसको फूड ऑडल्ट्रेशन वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो भैया फूड फोर्टिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिटिव वैल्यू जिससे उसकी बढ़ जाए, वहीं टेस्ट या अपियरेंस में कोई चेंज नहीं होता है इसमें, और डाइट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना। वही फूड ऑडल्ट्रेशन में क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू तो गिर गई ना भैया, तुम मिलावट कर रहे हो, मिलावट में तो गिर ही जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि जो दूध वाले होंगे या जो दुकानदार होंगे वो मिलावट करेंगे कि यार बहुत गाढ़ा दूध दिया है भैंस ने, इतना सा आप पचा नहीं पाएंगे, पानी मिला दो। या जो किराने वाले होंगे या कोई जो मिलावट करेंगे, बोलेंगे यार सरसों के तेल, सरसों की जो बीज है, राई है, उसमें अर्जुमिन सीड मिला देते हैं, खाने का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ना उनकी नियत अच्छी होगी जब वो मिलावट कर रहे होंगे, और इनफैक्ट स्वाद या अपियरेंस, अपियरेंस इसमें सेम रहेगी, याद रखना अपियरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन स्वाद में चेंज आ सकता है भाई साहब, चेंज आ जाता है स्वाद में, और डाइट की क्वालिटी में भी चेंज आ जाता है, समझ गए। तो फूड ऑडल्ट्रेशन और फूड फोर्टिफिकेशन में सेम चीज क्या है कि अपियरेंस और कंसिस्टेंसी में तो चेंज नहीं आएगा, ठीक है ये तो सेम रहेगा, मगर क्वालिटी ऑफ डाइट खराब हो जाएगी फूड ऑडल्ट्रेशन में, जबकि क्वालिटी ऑफ डाइट बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी फूड फोर्टिफिकेशन में। उसके अलावा जो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी खराब हो जाएगी फूड ऑडल्ट्रेशन में, जबकि न्यूट्रिटिव वैल्यू और अच्छी हो जाएगी फूड की फूड फोर्टिफिकेशन में। और एक तो आपको पता ही है यार कि फूड ऑडल्ट्रेशन कोई अच्छी नीयत से तो किया नहीं जाता है, जबकि फूड फोर्टिफिकेशन बहुत अच्छी नीयत से किया जाता है कि भाई न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा करना है। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप वाइवा के समय फूड फोर्टिफिकेशन और फूड ऑडल्ट्रेशन में डिफरेंस के तौर पे बता सकते हो। ठीक, इनफैक्ट वाइवा में ना आपसे फूड प्रिजर्वेटिव भी पूछ लिया जाता है कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं ये बताओ, और वो फूड फोर्टिफिकेशन से कैसे अलग होते हैं। तो भैया फूड प्रिजर्वेटिव क्या है कि फूड आइटम में कोई सब्सटेंस को मिला रहे हैं जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सके और लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य बना सके बस, जबकि फूड फोर्टिफिकेशन में हम उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को अच्छा कर रहे हैं, ये तो फर्क ये बताते हैं आपको आना चाहिए। ठीक, उसके बाद वाइवा में फूड प्रिजर्वेटिव्स के एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं वाइवा में, तो ये वाइवा में एग्जाम्पल्स जो हैं आपको बताते आने चाहिए। ठीक, तो इतनी चीजें तो आपको वाइवा के लिए पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट मिलेंगे आपको मैं नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो एक एमसीक्यू तो ये कई बार पूछा गया है कि फूड फोर्टिफिकेशन अगर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में कौन से लेवल का प्रिवेंशन है और कौन सा मोड ऑफ इंटरवेंशन है, तो फॉर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, मोड ऑफ इंटरवेंशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। एग्जाम्पल्स भाई साहब एमसीक्यू में कईयों बार पूछे गए हैं एग्जाम्पल, तो सॉल्ट में आयोडीन डालते हैं, प्रिंट फोर्टिफिकेशन पे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि आयोडीन और आयरन डालते हैं,
वनस्पति घी पे भी एमसीक्यू आया है कि इसमें क्या डालते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी, और कितना डालते हैं इस पे भी एमसीक्यू आया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनफैक्ट वाटर पे भी एमसीक्यू आया है कि इसको कैसे, तो फ्लोइडेशन ऑफ वाटर करते हैं, ठीक। इनफैक्ट ना एमसीक्यू की बात करें तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये चीज को हटा देंगे, थोड़े से टेढ़े शेढ़े होते हैं, और या फिर ये सामने से इसको डालडा या वनस्पति घी इसकी इमेज दे देंगे आपको और बोलेंगे कि भैया फूड फोर्टिफिकेशन के तहत इनमें क्या डालना चाहता है ये बताओ, ये भी बताते आना चाहिए एमसीक्यू के तौर पर, ठीक। उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव पे आपको एमसीक्यू आया था, तो उनके नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, सल्फ्यूरिक, सॉर्बिक और लैक्टिक एसिड, ये सभी एग्जाम्पल्स में उसमें एमसीक्यू में ऑप्शंस भी थे, ठीक। तो मैं एक्चुअली कुछ के नाम अगर मुझे याद रखने रहते थे ना, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव्स, तो देखो एस एस आ रहा है ना, तो मैं एस से याद रखता था। एस से क्या याद रखता था कि पहली चीज तो एस से शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है, फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करने से शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है, तो एस फॉर शेल्फ लाइफ। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे भी ना, एस फॉर सॉल्ट, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्पाइसेस, है ना। उसके अलावा भी है अभी एस, एस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, एस फॉर सॉर्बिक एसिड, एस से ना बहुत सारी चीजें याद आएंगी, तो फूड प्रिजर्वेटिव में एस याद रखना, एस से बहुत कुछ याद हो जाएगा, ठीक। तो एटलीस्ट एमसीक्यू के तौर पे इसको याद रखना। एक एमसीक्यू ये भी आया था कि भैया इरेडिएशन और आयोनाइजिंग रेज भी आजकल फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं, तो ये एमसीक्यू भी याद रखना, ठीक। और इनफैक्ट ना इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको इनकी इमेज आ सकती है, भैया ये बताओ कि ये किसका एग्जाम्पल है, फूड ऑडल्ट्रेशन का, फूड फोर्टिफिकेशन का, या फूड प्रिजर्वेशन का, तो किसके एग्जाम्पल सोचाएंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, ठीक। तो इतनी चीजें हैं जो आपको फूड फोर्टिफिकेशन और फूड प्रिजर्वेटिव्स के तहत पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।